हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन दीप सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो हम बात कर रहे हैं क्लास ट्वेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। तो क्लास ट्वेल्थ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पेपर कोड 802 की बात कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि हम MySQL कैसे इंस्टॉल करेंगे, उसके लिए किस लिंक पे जाएंगे, कैसे डाउनलोड होगा और कैसे उसका इंस्टॉलेशन होगा, ये सारा चीज़ मैंने आपको बताया। आज हम बात करेंगे कुछ DDL कमांड्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं DDL कमांड्स, हमारे पास क्या क्या DDL कमांड्स अवेलेबल हैं। तो आज ये हम सबसे पहले बात करेंगे टेबल्स क्रिएट करने के बारे में कि हाउ यू विल क्रिएट द टेबल। अब क्योंकि यहाँ पे हमें लाइव डेमो की जरूरत पड़ेगी, तो मैं सबसे पहले MySQL स्टार्ट कर लेता हूँ अपने कंप्यूटर पे। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने MySQL स्टार्ट कर लिया एंड जनरल एंड डिफॉल्ट पासवर्ड MySQL का रूट होता है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड रूट डाल दिया। इसके बाद मैं थोड़ी सी इसकी सेटिंग चेंज करता हूँ। सेटिंग क्यों चेंज करूँगा? क्योंकि मैं इसके फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसकी फॉन्ट साइज को इंक्रीज करने के लिए ये छोटे साइज में दिख रहा है, इसका कलर, इसके अपीयरेंस, अगर आप इन सबको चेंज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे। कौन सा आइकन है? ये MySQL का जो आइकन है, इसी आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। तो ये देखिए, ये MySQL का जो आइकन, इस आइकन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन आएगा प्रॉपर्टीज का, आप प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे। प्रॉपर्टीज पे क्लिक करने के बाद आपको लेना है टैब, फॉन्ट टैब को लेना है। फॉन्ट टैब पे आने के बाद आप यहां से फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं, कंट्रोल फॉन्ट का नाम भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो भी फॉन्ट अच्छा लगे आप यहां से चूज कर सकते हैं। मैं तो डिफॉल्ट फॉन्ट के साथ ही चलूंगा, जैसे मान लीजिए मैंने कुरियर न्यू फॉन्ट कर दिया और इसके बाद मैं यहां से ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद ये एक एरर मैसेज आती है, बट आप इसके ऊपर ज्यादा ध्यान ना देना। आपका देखो ये स्क्रीन का साइज आप देख सकते हो, मैं इसको नॉर्मल साइज में करके दिखाता हूँ। आप देखो फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो गया, फॉन्ट के टाइप्स भी चेंज हो गए। एक बार फिर से आपको दिखाना चाहूंगा, आप MySQL पे आइए, प्रॉपर्टीज पे आइए, फॉन्ट पे आइए और इस बार मैं फॉन्ट का नाम कंसोल ही रखूंगा और साइज को मैं 24 कर लेता हूँ। क्या किया मैंने, कंसोल के साथ 24 कर दिया और अब ये ओके मैसेज आया, ओके कर दिया और आप देख सकते हो कि साइज आपका यहाँ पे इंक्रीज हो चुका है। तो इसका फायदा ये होता है कि जब हम डिस्कस करेंगे, जब हम आपसे बात करेंगे, आपको बताएंगे कमांड्स के बारे में, तो ये थोड़ा ज्यादा विजिबल रहेगा आपके लिए, ठीक है। तो आई होप सो कि आपको ये स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। अगर फिर भी नहीं दे रहा है तो मैं जूम करके आपको इसको दिखा दूंगा। ओके, तो चलिए मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ, स्क्रीन को अपने लेफ्ट साइड में एडजस्ट करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एक बार चलिए मैं इसको लेफ्ट में एडजस्ट कर लेता हूँ, ये मैंने एडजस्ट कर लिया। आइए बात करते हैं MySQL कमांड्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे क्रिएट टेबल कमांड्स के बारे में। क्रिएट टेबल एक DDL कमांड है। ये कैसा कमांड है? DDL कमांड है। DDL का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड। DDL कमांड्स ऐसे कमांड्स होते हैं जो हमें ये फैसिलिटी देते हैं कि हम टेबल्स क्रिएट कर सकते हैं, हम इसके अंदर में, ठीक है, हम इसके अंदर में टेबल क्रिएट कर सकते हैं, हम टेबल्स के स्ट्रक्चर्स को बता सकते हैं। स्ट्रक्चर्स के अंदर में जनरली हम बताते हैं कॉलम का नाम, कि कॉलम का नाम क्या होगा, कॉलम के टाइप्स क्या होंगे, उसके साइज क्या होंगे, उस पर कुछ कॉन्स्टेंट्स अप्लाइड होंगे या नहीं होंगे, उसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी, उसके कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क्स अप्लाई होंगे। तो हम इन सब के बारे में डिफाइन करते हैं DDL कमांड्स की मदद से। और जो DDL कमांड आपको यूज करना है, उस DDL कमांड का क्या नाम है? उस DDL कमांड का नाम है क्रिएट टेबल। तो आइए मैं आपको सबसे पहले क्रिएट टेबल कमांड का सिंटैक्स बता दूं कि उसका सिंटैक्स क्या होता है। पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि सिंटैक्स का मतलब होता क्या है। देखिए, सिंटैक्स का मतलब होता है रूल्स, कि किसी भी कमांड को आप किस तरीके से लिखते हैं। हर कमांड्स को लिखने का एक तरीका होता है और हमेशा हमें उस तरीके को फॉलो करना होता है। अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे, उस रूल्स को फॉलो करेंगे, तो आपको किसी तरह का कोई एरर मैसेज दिखाई नहीं देगा। इसलिए सिंटैक्स को फॉलो करना निहायत जरूरी है आपके लिए। आइए देखते हैं क्रिएट टेबल कमांड। दिस कमांड इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू टेबल और रिलेशन। या एक चीज और आपको जानना चाहिए, इन MySQL और इन DBMS डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स के अंदर में या RDBMS कॉन्सेप्ट के अंदर में टेबल को हम रिलेशंस भी कहते हैं। एक्चुअली इसको रिलेशंस क्यों कहा जाता है? अगर आपको टेबल्स के डेफिनेशंस को याद करना हो तो रिलेशंस, तो ये क्या होता है? कलेक्शंस ऑफ द इंटर रिलेटेड डेटा आइटम्स। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये भी कह सकते हैं कलेक्शंस ऑफ द टपल्स इज नोन एज द टेबल और रिलेशन। जब हम टपल की बात करते हैं तो टपल के बारे में कहा जाता है कलेक्शन ऑफ द फील्ड्स, यानी कि जो कॉलम्स हैं, जो फील्ड्स हैं, इसके कलेक्शन को हम टपल्स कहते हैं। अब बात आती है कि टपल्स के अंदर में कॉलम्स जब आप कलेक्ट करते हो तो दीज ऑल कॉलम्स आर इंटर रिलेटेड,
ये सारे कॉलम्स रिलेटेड होते हैं। मान लीजिए स्टूडेंट के इंफॉर्मेशन में हम सैलरी का कॉलम नहीं रखेंगे, ठीक है, और एम्प्लॉय के इंफॉर्मेशन जहां पे रखनी होगी वहां पे हम क्लास एंड सेक्शन का इंफॉर्मेशन नहीं रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि एक एम्प्लॉय के लिए क्लास एंड सेक्शन इंटर रिलेटेड नहीं है, बट एक और खास स्टूडेंट के लिए सैलरी एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, डिपार्टमेंट एक रिलेटेड इंफॉर्मेशन नहीं है, वहां स्ट्रीम हो सकता है। तो इस तरीके से, क्योंकि टेबल के अंदर में जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो इंटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन होते हैं, और इसलिए टेबल को हम रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। अब आइए देखते हैं क्रिएट टेबल कमांड आप अगर यूज करोगे तो कैसे यूज करोगे। सबसे पहले आपको क्रिएट टेबल लिखना है। MySQL के कमांड्स को यूज करते समय एक नोमेनक्लेचर्स है, एक राइटिंग स्टाइल्स है जिसको आप फॉलो कर सकते हो। स्ट्रिक्ट रूल नहीं है क्योंकि MySQL केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं है। मतलब क्या है केस सेंसिटिव का? मतलब ये है कि आप स्मॉल लेटर में कमांड लिख दो या कैपिटल लेटर में कमांड लिख दो, आपको किसी तरह का कोई एरर मैसेज देखने को नहीं मिलेगा MySQL में। लेकिन अगर यही काम आप पाइथन में करते, यही काम आप जावा में करते हो तो वो केस सेंसिटिव है। अगर आपने स्मॉल के कीवर्ड को कैपिटल में लिख दिया तो यू विल गेट एन एरर मैसेज देयर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन एक राइटिंग स्टाइल है जिसको हमें फॉलो करना है, और वो राइटिंग स्टाइल कहता है कि कमांड आप कैपिटल लेटर में लिखें, जो आपने डिफाइन करना है वो आप स्मॉल लेटर में लिखें। कॉलम का नाम, डेटा टाइप, कॉन्स्टेंट्स, देखिए ये सिंटेक्स है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम देते हैं, यहाँ स्पेस आएगा, टेबल और टेबल के नेम के बीच में स्पेस आएगा। इसके बाद ओपन पैरेंथेसिस आती है, इसके बाद आप फर्स्ट कॉलम का नाम बताते हैं, स्पेस के बाद आप डेटा टाइप बताते हैं, उसके ऊपर अगर कोई कॉन्स्टेंट्स हैं तो कॉन्स्टेंट्स बताते हैं। कॉन्स्टेंट्स के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में, जहां मैंने ये बताया था कि कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है रूल्स, कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है वैलिडिटी। आप प्रॉपर डेटा डाल रहे हो, आप प्रॉपर वैल्यू इनपुट कर रहे हो, इन सब चीजों के बारे में जो बताता है वो हमारा कॉन्स्टेंट कहलाता है, ठीक है। और एट लास्ट आपको पैरेंथेसिस को क्लोज करके यहाँ पे सेमीकोलन लगाना है। अब आप ध्यान से देख सकते हो कि यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है, यहाँ भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया गया है, बट यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट यूज किया गया है। ध्यान रखिएगा, कभी भी सिंटेक्स के अंदर में अगर एंगुलर ब्रैकेट यूज किया जाता है, इसका मतलब ये कंपोनेंट तो चाहिए, ये रिप्लेस होगा, इसकी जगह पे कुछ वैल्यू आएंगे। लेकिन अगर कोई चीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है तो चेंज तो खैर वो भी होते हैं, बट ये ऑप्शनल कंपोनेंट होता है सिंटेक्स का, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्रिएट टेबल कमांड्स को हम कैसे यूज करेंगे। जब आपको कोई टेबल क्रिएट करना है तो आपको क्रिएट टेबल कमांड्स को यूज करना होता है। क्रिएट टेबल कमांड्स को जब हम यूज करते हैं तो वहां पे हमें कॉलम का नाम बताना होता है। क्या बताना होता है? कॉलम का नाम बताना होता है। लेकिन जब आप कॉलम का नाम बताते हैं तो आपको उसके साथ उसके डेटा टाइप भी बताने होते हैं, और साथ ही साथ हमें उसके साइज भी बताने होते हैं। तो अब आपको जानना चाहिए कि किस किस तरह के डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कि पहला डेटा टाइप है हमारे पास कैर। कैर मतलब कैरेक्टर का मतलब हो गया कि आप कोई भी अल्फा न्यूमरिक कैरेक्टर्स यहाँ पे डाल सकते हो, बट ये जो कैर है इसको हम फिक्स लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग्स कहते हैं, और एन का मतलब नंबर ऑफ कैरेक्टर्स होता है। कैर 5 का मतलब हो गया अशोक, विजय, इस तरीके से अपनी स्ट्रिंग। वेर कैर स्टैंड्स फॉर द वेरिएबल लेंथ कैरेक्टर स्ट्रिंग, ठीक है। यहाँ पे एन का मतलब होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द स्ट्रिंग। देखो यहाँ पे फिक्स लेंथ होता है, यानी कि अगर आपने 5 का साइज बता दिया और 4 नंबर का, 4 कैरेक्टर का आपने कोई नाम डाल दिया तो वो 5 का ही स्पेस कंज्यूम करेगा, 5 की मेमोरी कंज्यूम करेगा। वो क्या करेगा, 4 कैरेक्टर के बाद एक स्पेस इंक्लूड कर देगा, ठीक है। वेर कैर का मतलब क्या हो गया, वेरिएबल कैर। यहाँ पे हम मैक्सिमम लेंथ बताते हैं कि भाई 20 कैरेक्टर्स का हो, कोई अगर छोटा है तो अगर 4 कैरेक्टर का कोई नाम डाल दिया तो वो 4 बाइट्स ही मेमोरी को कंज्यूम करेगा, वो 20 बाइट्स कंज्यूम नहीं करेगा, वो अपनी मर्जी से स्पेस को इंक्लूड नहीं करेगा इसके अंदर में। तो ये आपको एडवांटेज देखने को मिलेगा। डेट, डेट इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको किसी का डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग या डेट ऑफ एडमिशन, ऐसे किसी इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने हैं तो हम डेट कॉलम को यूज करते हैं। डेट डेटा टाइप को, इसका फॉर्मेट जो होता है ईयर, मंथ और डे होता है, इसे हम सिंगल या डबल कोट्स में क्लोज करके इनपुट करते हैं। इंटीजर का मतलब हो गया इंटीजर नंबर, कोई भी इंटीजर नंबर आप डाल सकते हो। डेसिमल का मतलब हो गया कि फ्रैक्शनल वैल्यू अगर डालना है, मान लो आपको पॉइंट्स में डालने हैं 25.39, तो ऐसे इंफॉर्मेशन के लिए हमें डेसिमल डेटा टाइप की जरूरत होगी। डेसिमल डेटा टाइप्स में हम दो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, एक एम और एक टी।
फिक्स पॉइंट नंबर होते हैं, एम का मतलब हो गया कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स दैट आर स्टोर्ड फॉर द वैल्यूज, एंड डी रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ डिजिट्स दैट कैन बी स्टोर्ड फॉलोइंग अप द डेसिमल पॉइंट। मतलब अगर डी जीरो है और नहीं बताया गया है तो उसके अंदर में कोई डेसिमल पार्ट नहीं आएगा। जैसे 5.2 है तो टोटल 5 होंगे इसके अंदर डिजिट, जिसमें 2 पॉइंट्स जो होंगे, 2 होंगे वो डेसिमल पॉइंट्स की वैल्यू के लिए स्टोर किए जाएंगे। अगर सिर्फ 5 है तो इसमें कोई पॉइंट्स वाली वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है, तो ये रहा डेटा टाइप्स के बारे में। तो आइए देखते हैं, एक टेबल है, एक टेबल हम रिज्यूम करते हैं टीचर्स, और टीचर्स नाम के टेबल्स को हम क्रिएट करके देखते हैं। अब जब कभी भी आप किसी टेबल के बारे में सोचें, किसी रिलेशंस के बारे में सोचें, तो आपको उसके इंफॉर्मेशन के बारे में भी सोचना होगा। आपको ये सोचना होगा कि हम क्या क्या इंफॉर्मेशन उस टेबल में स्टोर करेंगे। जब आप क्या क्या इंफॉर्मेशन के बारे में पता कर लोगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसके कॉलम्स के नाम क्या होना चाहिए। मतलब जो इन्फॉर्मेशन आप स्टोर करने वाले हो उस इन्फॉर्मेशन का हेड क्या होगा, मतलब कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। मान लीजिए आपने स्टूडेंट्स के नाम को रखा, तो एक तो हो गया स्टूडेंट नेम, एक हो गया फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम। डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करना है तो DOB, डेट ऑफ बर्थ, समथिंग लाइक दिस। हमें एक कॉलम का नाम भी डिसाइड करना होता है। किसी का सेक्स को स्टोर करना है तो हम या तो सेक्स लिख देते हैं या जेंडर लिख देते हैं, मेल फीमेल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाता है, कॉलम का नाम हो जाता है। अब यहाँ पे हमें एक स्कीमा दिया हुआ है, टीचर टेबल का, जो टीचर्स के इंफॉर्मेशन को स्टोर करेगा। ठीक है, टीचर्स की यूनिक आईडी, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी, डेट ऑफ बर्थ एंड डिपार्टमेंट विच टीचर बिलोंग। तो चलिए देखते हैं क्रिएट टेबल कमांड हम कैसे देते हैं। तो आइए मैं इसको MySQL के थ्रू आपको दिखाता हूँ इस सारे कमांड को। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, मैंने कमांड लिखा यहाँ पे क्रिएट। सबसे पहले, अच्छा, कभी भी आपको अगर टेबल क्रिएट करना है तो सबसे पहले आपके पास एक डेटाबेस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डेटाबेस होना चाहिए। बिना डेटाबेस का MySQL में आप कभी भी कोई टेबल क्रिएट नहीं कर सकते। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये कमांड मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं यहाँ पे एक डेटाबेस क्रिएट करता हूँ InfoTech के नाम से। किस नाम से मैंने डेटाबेस क्रिएट किया? InfoTech 802 के नाम से मैंने एक डेटाबेस बना दिया, InfoTech 802। ठीक है, तो 802 के नाम से डेटाबेस बनाया। MySQL में कभी भी कोई कमांड देंगे तो एट द एंड आपको सेमी कॉलम देना होता है, तो आप यहाँ पे सेमी कॉलम जरूर दीजिएगा। मैंने सेमी कॉलम दिया, डेटाबेस हमारा क्रिएट हो गया। अब अगर मुझे देखना है कि वो डेटाबेस मेरे पास है या नहीं है, तो हमारे पास एक कमांड होता है सो डेटाबेसेस। क्या कमांड होता है? सो डेटाबेसेस। सो डेटाबेसेस करके हम देख सकते हैं कि मेरे पास उस नाम का टेबल बना या नहीं बना। अगर आप ध्यान से देखिए तो ये देखिए InfoTech 802 के नाम से डेटाबेस हमारा तैयार हो गया है। ये डेटाबेस लिस्ट ऑफ द डेटाबेस यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, डेटाबेस को कभी भी आपको टेबल बनाना होगा तो सबसे पहले वो टेबल डेटाबेस के अंदर आती है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। तो द फर्स्ट कमांड आपको यूज करना है, आपने एक बार डेटाबेस क्रिएट कर दिया ना तो बार बार क्रिएट नहीं करते हैं। ठीक है, हम डेटाबेस को बार बार क्रिएट नहीं करते हैं, हम सिर्फ एक बार क्रिएट करते हैं, बाद में हम उसे यूज करते हैं। यूज करने का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ डेटाबेस। यूज करने का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ डेटाबेस। अब मान लो मैंने कोई नोटबुक तैयार कर ली, ये मेरा कोई नोटबुक तैयार हो गया, अब ये मेरी फेयर नोटबुक है, तो मैं नोटबुक एक ही बार परचेज करके लाऊंगा, इसके ऊपर नाम लिखूंगा, फेयर लिख दूंगा, जो भी सब्जेक्ट है। अब मैं इसमें राइटिंग स्टार्ट करूंगा तो बात, अब नोटबुक को यूज, जब कभी भी हमें कोई इन्फॉर्मेशन लिखना होगा तो हम नोटबुक को ओपन करते हैं। इसी तरह से हमें डेटाबेस को भी ओपन करना होता है। तो अब मैं यहाँ पर डेटाबेस को कैसे यूज ओपन करूंगा, यूज कमांड से। मेरे डेटाबेस का नाम क्या है? InfoTech। मैंने आपको बताया ये केस सेंसिटिव नहीं है, तो मैं यहाँ पे स्मॉल में लिखना चाह रहा हूँ, इन यूज InfoTech 802। तो मेरा डेटाबेस यहाँ पे आ गया। अब डेटाबेस के आने के बाद हमें ये जानना है कि इस डेटाबेस के अंदर में कितने टेबल्स हैं, इस डेटाबेस के अंदर में कितने टेबल्स हैं। तो उसके लिए मैं एक कमांड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, शो टेबल्स। कौन सा कमांड यूज कर रहा हूँ? शो टेबल्स। तो मैंने यहाँ पे कमांड यूज किया शो टेबल्स, और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको मैसेज दिया जा रहा है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट का मतलब हो गया कि दिस डेटाबेस डज नॉट हैव अ सिंगल टेबल इनसाइड इट। ठीक है, और मैसेज क्या है, 0.14 सेकेंड्स, मतलब इस कमांड को एग्जीक्यूट होने में इतने सेकेंड का टाइम लगा। चलिए अब बात करते हैं कि हमें टेबल क्रिएट करना है। हमें टेबल क्रिएट करने के लिए जो बेसिक इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट थी, जो बेस चाहिए था, वो मैंने तैयार कर लिया। वो बेस था क्या था कि मेरे पास एक डेटाबेस होना चाहिए, जिस डेटाबेस को मैं ओपन करूंगा यूज कमांड की मदद से, और अब हम उस डेटाबेस के अंदर में टेबल क्रिएट करेंगे। एक बार जब आपने यूज कमांड दे दिया तो वो डेटाबेस आपका ओपन हो जाता है। अब आप जो भी कमांड लिखोगे अगले यूज से पहले,
यानी कि आपने कोई नया डेटाबेस ओपन नहीं किया है, तब तक आपने जो भी कमांड लिखा वो हमेशा उसी करंट डेटाबेस के अंदर में एक्सक्यूट हो रहा होता है, उसी के अंदर में कोई भी इफेक्ट दिखाई देता है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, तो अब मैं क्रिएट टेबल कमांड लिखना चाहता हूं, तो मैं यहां पे क्रिएट टेबल कमांड लिखना चाहता हूं, तो क्रिएट टेबल, टेबल का नाम दे दिया मैंने टीचर। अब टीचर के बाद आप यहाँ पे एंटर की दबा दीजिए और पैरेंथेसिस दे दीजिए। जरूरी नहीं है हम एक लाइन में भी पूरा कमांड लिख सकते हैं, मैं आपको अभी लिख के दिखाऊंगा, ठीक है? तो एंटर, इसके बाद आप चाहो तो यहाँ पे एंटर लगा दो, ठीक है? एंटर लगाने के बाद सबसे पहला हमारे पास क्या है, कॉलम का नाम है टीचर आईडी। हमने कॉलम का नाम क्या दिया, टीचर आईडी। डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। क्या दिया डेटा टाइप, इंटीजर। कई बार हम इंट भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने कॉमा दिया, कॉमा देके एंटर की दबा दिया। एंटर की दबाते ही हमारे सामने एरो आ जाता है। देखो दो चीज दिखता है, अगर आपको MySQL करके ये लिखा हुआ आ जाए, इसका मतलब है ये प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है इट्स अ रेडी टू गेट द न्यू कमांड। अगर ये एरो आपके सामने आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी आपका कमांड कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको उस कमांड को कंप्लीट करना है, ठीक है? तो टीचर आईडी के बाद हमें क्या लिखना है, यहाँ पे फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम का डेटा टाइप हमने दे दिया वेरकैर, ठीक है? वेरकैर में हमने साइज दे दिया 20, कॉमा, इसके बाद हमने यहाँ पे दिया लास्ट नेम, ठीक है? लास्ट नेम का डेटा टाइप दे दिया वेरकैर, साइज मैंने दे दिया 20, कॉमा, इसके बाद हमने लिखा जेंडर, तो यहाँ पे दिया जेंडर, डेटा टाइप दे दिया कैर, ये फिक्स लेंथ है कि एक ही बाइट का होगा, कैर जेंडर कॉमा, उसके बाद हमने दे दिया सैलरी, सैलरी का डेटा टाइप हमने दे दिया डेसिमल, और डेसिमल के अंदर हमने लिख दिया 10.2, ठीक है? फिर से मैंने दे दिया कॉमा, इसके बाद हमने दे दिया डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है? और डेट ऑफ बर्थ का हमने यहाँ पे लिख दिया, डेटा टाइप क्या दे दिया, डेट, कोई साइज देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमने दे दिया डिपार्टमेंट नंबर, और डिपार्टमेंट नंबर को मैंने क्या कर दिया, इंटीजर। उसके बाद हमने यहाँ पे कॉमा नहीं दिया क्योंकि हमारा लास्ट कॉलम है, हमने पैरेंथेसिस को डाल के यहाँ पे सेमी कॉलन डाला। पैरेंथेसिस के बाद क्या डाला, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन डालते ही एंटर की दबाया, हमारे सामने मैसेज आया क्वेरी ओके, 0 रोज इफेक्टेड एंड कमांड को एग्जीक्यूट होने में 1 मिनट 0.7 सेकंड का टाइम लग गया, ठीक है? तो मेरा टेबल क्रिएट हो गया। अब हमें देखना है कि टेबल है या नहीं है, तो आइए देखते हैं। कमांड यूज करता हूं मैं सो टेबल्स। मैंने आपको बोला है कि MySQL हमारा केस सेंसिटिव नहीं है, तो अब देखिए आपके सामने टेबल क्रिएट होके आ गया, और टेबल का क्या नाम है, टीचर। अगर आप ये देखना चाहते हैं इस टेबल्स के अंदर में कौन कौन सा कॉलम है, तो मैंने एक कमांड दिया यहाँ पे DSC डिस्क्राइब, और टेबल का नाम लिख दिया यहाँ पे टीचर, ठीक है? मैं टीचर कैपिटल में लिख दे रहा हूँ। तो ये देखो इसने मुझे पूरा इंफॉर्मेशन बता दिया कि इस टेबल में टीचर के अंदर में क्या फील्ड है, क्या डेटा टाइप है, क्या नल वैल्यू है, की क्या है, डिफॉल्ट क्या है, एक्स्ट्रा क्या है। तो डेटा टाइप फील्ड में देखो टीचर आईडी इंटीजर, फर्स्ट नेम वेरकैर 20, लास्ट नेम वेरकैर 20, जेंडर कैरेक्टर 1, सैलरी डेसिमल 10.2, डेट ऑफ बर्थ डेट, डिपार्टमेंट नंबर इंटीजर। मतलब कि जहां भी आपने इंटीजर को यूज किया है वो बाय डिफॉल्ट इंट होता है, और इसकी डिफॉल्ट साइज क्या होती है, इसकी डिफॉल्ट साइज 11 होती है। तो आज के लिए इतना ही है, अगली वीडियो में हम और बात करेंगे क्रिएट टेबल के बारे में ही, और कुछ नए चीज को हम चेकआउट करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।